नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आकृति में। और आज मैं आपके सामने बहुत ही यूनिक वीडियो लेके आ रहा हूँ। सबसे पहला जो प्रोडक्ट आपके सामने कामधेनु ब्रास स्टैचू है, रेयरली सीन स्टैचू है दोस्तों। ये जो अगला है दोस्तों, ये बहुत ही यूनिक पिकॉक ऑयल लैम्प है बेसिकली, और फाइव बेल्स भी इसके साथ लगी हुई है। बहुत ही डिजाइनर ऑयल लैम्प है बेसिकली दोस्तों ये। और जो अगला है दोस्तों, ये राधा कृष्णा की स्टैचू के साथ एक एलिफेंट स्टैचू भी है। राधा कृष्णा बैठे हुए हैं एलिफेंट स्टैचू में, बहुत ही डिजाइनर आइटम है दोस्तों। और जो अगला है दोस्तों, ये बर्ड ऑयल लैंप है, बहुत ही यूनिक ऑयल लैंप है दोस्तों। जब से हमने इस प्रोडक्ट को अपनी वेबसाइट में डाला है, बहुत ज्यादा इसकी सेल हो रही है हमारी वेबसाइट से। और जो अगला है दोस्तों, ये एक ब्रास उर्ली है बेसिकली। फेस्टिव सीजन में ये डेकोरेशन परस्पेक्टिव में यूज की जाती है, अपने घरों को, अपने ऑफिसेस को, इस तरीके के पॉट को आप यूज कर सकते हैं डेकोरेशन के लिए। और जो अगला है दोस्तों, ये लक्ष्मी गणेश पेयर स्टैचू है, बहुत ही यूनिक स्टैचू है दोस्तों। और लक्ष्मी गणेश की मैं बार बार बताता रहता हूँ कि हमारी वेबसाइट में बहुत ज्यादा वेरायटी है दोस्तों, आप हमारी वेबसाइट में आ सकते हैं, देख सकते हैं। और जो अगला है दोस्तों, ये लॉर्ड गणेश ऐसा ब्रास वॉल दिया है, वॉल पे बेसिकली आप इस दिया को हैंग कर सकते हैं। इस पे दोस्तों आप देख पा रहे हैं फाइव ऑयल लैंप लगे हैं, बहुत ही यूनिक लैंप है। और जो अगला है दोस्तों, ये लक्ष्मी स्टैचू है, ब्रास लक्ष्मी स्टैचू। लक्ष्मी माता की भी हमारे पास बहुत ज्यादा वैरायटी है दोस्तों, हमारी वेबसाइट में अगर आप देखेंगे बहुत ज्यादा वैरायटी आपको मिलेंगी। और जो अगला है दोस्तों, ये रेयरली सीन स्टैचू है, लॉर्ड विष्णु और लक्ष्मी जी की स्टैचू, बेसिकली लक्ष्मी नारायण भगवान जी की ये मूर्ति है। बहुत ही यूनिक स्टैचू है दोस्तों, डिजाइनर आइटम है। और जो अगली स्टैचू है बेसिकली, ये डेकोरेशन परस्पेक्टिव में स्टैचू यूज की जाती है, एलिफेंट स्टैचू, होम डेकोरेशन, ऑफिस डेकोरेशन, कॉर्पोरेट गिफ्टिंग में इस तरह के यूज किए जाते हैं। और जो अगला है दोस्तों, ब्रास सरस्वती माता स्टैचू, बहुत ही यूनिक स्टैचू है दोस्तों। और सरस्वती माता की भी हमारे पास बहुत ज्यादा वैरायटी दोस्तों, हमारी वेबसाइट में हमारे पास पड़ी हुई है।